और झारखंड में चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों में सहयोगी दलों के बीच सीटों का तालमेल नहीं हुआ है। खासकर महागठबंधन की बात करें तो वहां खींचतान ज्यादा ही नजर आती है। हर दल अपने अपने राग अलाप रहा है। बाबूलाल मरांडी ने लगभग स्पष्ट कर दिया है कि वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो हेमंत सोरेन बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की बात कह रहे हैं। साथ ही ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन ने भी राज्य में जीत की हुंकार भरी है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जुड़ गए हैं। कुंदन, तारीखों का ऐलान हो गया है, बाबूलाल मरांडी ने अकेले चलने की हुंकार भरी है। देखिए आदर्श, आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही झारखंड में प्रतिदिन राजनीति जो है वो नई करवट बदल रही है। जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने आज साधना न्यूज से विशेष बातचीत के दौरान बताया कि झारखंड विकास मोर्चा 81 विधानसभा क्षेत्रों में खुद चुनाव लड़ेगी, अपने बलबूते पर लड़ेगी और महागठबंधन से उनका किसी तरीके से कोई सामंजस्य नहीं होगा और महागठबंधन के बैनर तहत वो नहीं लड़ेंगे। और इसके लिए उन्होंने महागठबंधन के बाकी दूसरे नेताओं को आरोप लगाते हुए साफ तौर पर कहा कि उन्होंने काफी प्रयास किया था, महागठबंधन के विरोधी नहीं है, लेकिन परिस्थितियां नहीं बन सकी और इस वजह से उनकी पार्टी ने फैसला लिया है। और पार्टी ने तमाम विधानसभा क्षेत्रों में और खास करके प्रथम चरण के विधान जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर प्रत्याशियों के फैसले के लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई है, जो बैठक आगामी 5 और 6 तारीख को रांची के उनके केंद्रीय कार्यालय में होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्होंने भी महागठबंधन की काफी कोशिश की थी, लेकिन परिस्थितियां उस तरीके से डेवलप नहीं हो सकी और इसी वजह से उन्हें अलग हटने का फैसला लेना पड़ा। आपको दूसरी खबर बता दें आदर्श कि इधर सत्ता पक्ष में आजसू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और संभावना यह जताई जा रही है, जिस तरीके से आजसू डेवलपमेंट हुआ है, संभावना यह जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू में भी सीटों का सामंजस्य नहीं हो पाने की वजह से ये दोनों पार्टियां भी अपने अपने क्षेत्रों में अलग से चुनाव लड़ेंगी। तो इसका मतलब यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में हमें दुतरफा या त्रिकोणीय मुकाबले नहीं देखने को मिलेंगे। संभावना इस बात की है कि मुकाबला दिलचस्प होगा और कहीं कहीं तो यह चतुष्कोणीय मुकाबला होगा और कहीं हो सकता है अगर कोई बागी उम्मीदवार इनके साथ भिड़ गया तो वहां का मुकाबला और भी मजेदार हो सकता है। आदर्श, जानकारी दे रहे हैं आप जिस तरीके से बीजेपी और आजसू में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ऐसा आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि झारखंड में पहली बार रघुवर दास ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पूरे 5 साल का उन्होंने कार्यकाल संभाला है, लेकिन अकेले अपने दम पर बीजेपी सरकार भी नहीं बना पाई है। तो आजसू अगर अलग चुनाव लड़ने का फैसला लेती है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। देखिए आदर्श, 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी और आज से 12 दिन के बाद इस झारखंड को अलग हुए लगभग 19 वर्ष पूरे हो जाएंगे और ऐसे में अब तक किसी भी मुख्यमंत्री ने 5 वर्षों का शासनकाल पूरा नहीं किया था। उन्होंने 5 वर्षों तक किसी भी मुख्यमंत्री की सरकार नहीं रही थी, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री रघुवर दास ने यह 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है और इसमें आजसू एक महत्वपूर्ण भूमिका में थी। और साथ ही आपको बता दें कि सबसे मजेदार बात यह रही है कि इसमें उन 6 विधायकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही जिन्होंने चुनाव तो लड़ा और जीता झारखंड विकास मोर्चा के बैनर के साथ था, लेकिन वह पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके थे। तो लिहाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आजसू और झारखंड विकास मोर्चा के 6 बागी विधायकों के सहारे सरकार चलानी पड़ी और अब स्थिति यह बन रही है कि आजसू के एक सांसद का रिप्रेजेंटेशन संसद में भी है। चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से सांसद हैं, वह रामगढ़ से विधायक थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार में मंत्री भी रहे थे, वह अभी सांसद हैं गिरिडीह से। तो अब आजसू राज्य में अपने पैट को बढ़ाना चाहता है, अपने वोट बैंक को बढ़ाना चाहता है, वोट शेयर में इजाफा करना चाहता है और शायद इसी वजह से उसने यह फैसला लिया है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और हमें विधानसभा में अपनी नुमाइंदगी को बढ़ाना चाहिए।
अब सबसे अहम बात यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी इन परिस्थितियों में किस प्रकार से फैसला लेती है, क्या वह आने वाले चुनाव के बाद राजसू से अपना समर्थन लेगी अथवा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इक्वेशन समीकरण बाकी दूसरे राज्यों में बनते बिगड़ते रहे हैं। अभी आप हालिया उदाहरण महाराष्ट्र का ले लें, जहां पर शिवसेना के साथ चुनाव तो गठबंधन में लड़ा गया था, लेकिन शिवसेना मुख्यमंत्री के मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दे रही है। तो आदर्श यह राजनीति है, और राजनीति में कुछ भी भविष्यवाणी करना या कुछ भी प्रिडिक्ट करना खतरे से खाली नहीं होता है। तो इन परिस्थितियों में अभी की जो स्थिति है, इस स्थिति में दो परिस्थितियां बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। एक तो कि बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है, और दूसरा आजसू जिसके नेता सुदेश महतो हैं, वह भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर चुनाव लड़ेगा।